Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Haram Zara. Happy birthday, dear Haram Zara. आज आपकी सालगिरह है ना, आज आप 3 साल की हो गई हो। अस्सलाम वालेकुम। अक्टूबर की आज हो चुकी है जी 6 तारीख। हाँ जी, हरम की सालगिरह का दिन भी है आज, और ख़जान की आमद आमद है। और आज वेदर अच्छा था, कुछ दिन तो काफ़ी ठंड रही है, तो अब अच्छा वेदर है, तो फिर मैंने कहा कि आज मैं इसके कर्टन वजीबों के उतार लूँ, क्योंकि आपको पता है ना कि सर्दियों में हम इसको पैक कर देते हैं, रख देते हैं वापस। तो मैंने काफ़ी पर्दे उतार लिए हुए हैं और कुछ फोल्ड कर दिए हुए हैं, झाड़ पोंछ लिए हैं, देख लिए हैं कुछ कीड़े शीड़े जो कुछ भी कारनूर में अक्सर लग जाते हैं जब बंद रहते हैं तो। और अब इसको रह गए, इसको उतारने लगी हूँ और जनाब फिर इसको बंद करने लगी है ना। और इधर से सारे सोफे की गद्दियाँ शदियाँ मैंने उठा के उनके कवर धो के वो अंदर ले गई हुई हूँ, लेकिन आज वेदर अच्छा है, 3-4 दिन वेदर अच्छा रहेगा, मे बी मैं गद्दियाँ दोबारा वापस ले आऊँ अगर किसी ने बैठना होगा तो। लेकिन आज ये पर्दे जो है ना, हम सबको अच्छी तरह साफ सुफ करके फोल्ड करके रख देंगे, और जो अगर कोई गंद शंद लगा हुआ है कुछ, इधर नेस्ट बना दिए हुए इन्होंने, और स्टिंक बग तो बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं ना, लाइक ये स्टिंक बग, इसकी इतनी स्मेल होती है ना, अगर इसको कुछ भी करें या छेड़े ना तो ये बहुत गंदी स्मेल छोड़ता है। तो ये आजकल कार्नर्स में और इस तरह छुपने की करते हैं ना कोशिश, तो ये पर्दों में काफ़ी निकले, जब खास करके जब पर्दे इस तरह बंद होते हैं ना, ये भी तो मैंने थोड़ा खोला है ना, जब भी टाई अप किया होता है इधर से तो बड़े अंदर इकट्ठे हो जाते हैं। तो खैर अभी जो है ना ये सारे बंद करती हूँ, और आस्ता आस्ता फिर जो है ना अंदर जाने की तैयारियाँ शुरू हो जाएंगी। 5 महीने तो अच्छा खासा गुजर जाता है टाइम, फन टाइम, फ्लावर, अभी भी फ्लावर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन क्योंकि अब अक्टूबर में ठंड शुरू हो जाती है, खास करके एंड ऑफ अक्टूबर काफ़ी ज़्यादा ठंड हो जाएगी, तो आस्ता आस्ता जो है ना वाइंड अप करें और चीज़ों को वापस लेके चलें, सारी स्प्रिंग और समर की डेकोरेशन है आपको उतार के रखेंगे। सर्दियों के महीने 5-6 महीने तो फिर आपको पता है ना स्नो और थोड़ा बोरिंग सा डिफरेंट सा जा रहा होता है, बोरिंग तो नहीं कह सकते अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी अल्लाह ताला का एक अपना ही सीन है, लेकिन बिल्कुल वो बंद सा हो जाता है ना स्नो की वजह से अंदर ही अंदर। और स्प्रिंग और समर के तो अपने ही मज़े हैं, उसकी तो क्या ही बात है, अल्लाह ताला की इतनी ग्रीनरी, इतनी खूबसूरती। खैर विंटर का भी अपना ही मज़ा है, उसकी भी अपनी खूबसूरती है, वो भी आपने देखी हुई है जब विंटर आता है। हाँ, सिर्फ बंद हो जाते हैं कमरों में घरों में सर्दी की वजह से, मोटे कपड़े पहनो और जैकेटें पहनो और बिल्कुल पैक हो के बाहर निकलो, हीटिंग घरों में भी और गाड़ियों में भी ना। तो खैर अभी तो आई थिंक पूरा एक महीना, तो जब तक अगर ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती तब तक तो ये फ्लावर जो है ना आप इनको अच्छे से देख सकते हैं, मतलब हम भी देख सकते हैं, मैं अपने किचन में से उस विंडो में से देखती रहती हूँ, और इधर से मेन डोर से भी करती हूँ। मैं आपको फ्रंट के भी दिखाऊंगी फ्लावर जो है ना, भी दिखाऊंगी आपको। तो चले मैं सारे अपने जो कर्टन मैंने लाए हुए हैं इनको मैंने धूप में रखा हुआ था, तो मैं इनको फोल्ड अप करती हूँ, तो फिर एक कुछ दिनों के बाद गज़ीबो ये ऊपर वाली छत जो है बाद में उतारेंगे ना।